नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी यूपी ट्रिपल एससी में जेई की कुछ वैकेंसी आई है, जो पोस्ट है लगभग 1477, उसी के ऊपर हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। और पहले वीडियो में आप लोगों को केवल केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है या किया जाएगा। इसके बाद जो है सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उस पर आपसे क्रमशः एक एक सब्जेक्ट को लेकर और उस सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए और इसके बाद जो है जो भी आपको कंफ्यूजन हो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए। तो आज हम जो है केवल सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे, तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सिलेबस पे एक एक करके। जो है नमस्कार, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई में कुछ जो है वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है? वो पोस्ट है 1477, जिसमें सिविल का काफी ज्यादा पोस्ट है, ठीक है? लगभग 1150 के आसपास सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट है, ठीक है? तो उसी के सिलेबस पे डिस्कस करना चाहते हैं। अच्छा, ये यूपी ट्रिपल एससी का जो टेक्निकल का सिलेबस है पिछली वैकेंसी का ही है। अब इसमें जो है दो पेपर होते हैं, पहला पेपर तो जीएस का होता है और दूसरा पेपर आपका होता है टेक्निकल का, ठीक है? तो टेक्निकल के पेपर में जो भी आपका आता है उसका सिलेबस इन्होंने पिछली एक वैकेंसी का जो इन्होंने निकाला था 2016 में यूपी ट्रिपल एससी वाले, तो उसमें जो है लगभग 422 पोस्ट थी लगभग सिविल इंजीनियरिंग की, उसी का सिलेबस है, ठीक है? टेक्निकल का सिलेबस में आप कहें कि अगर सिलेबस नहीं आया हुआ है तो ऐसा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल का जो भी आपने पढ़ा हुआ डिप्लोमा में उसी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपके सिलेबस में रहेगा, जहां तक ये संभवता ये माना जा रहा है, ठीक है? तो पिछले जो सिलेबस में इन्होंने जो दिया था जो टॉपिक उसी पे आप डिस्कस करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए विशेष तौर से, ठीक है? अब ये जो दूसरा जो हमारा पेपर होगा उसी में पूछा जाएगा, ठीक है? इस लिखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग, इस प्रश्न पत्र में बिल्डिंग मटेरियल, पहले तो उन्होंने सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं, ठीक है? बिल्डिंग मटेरियल आपका सब्जेक्ट है बीएम, जिसको आप लोग जानते हैं, ठीक है, डिप्लोमा के बच्चे। अब कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ठीक है, इसको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से भी आप लोग जानते हैं, सर्वेइंग, सर्वेइंग तो आप अच्छे से जान रहे हैं, सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स आप भी जानते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसके बाद इन्वायरमेंटल, जिसको आप लोग पीएचई के नाम से जानते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो है स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब ये हुआ कि जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट इन्होंने दिया हुआ है इनके टेस्ट, वो चाहे बिल्डिंग मटेरियल का हो, चाहे जो है क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो भी टेस्ट आपके होते हैं, चाहे जो है हाइड्रोलिक्स में भी कुछ टेस्ट टेस्ट होते रहते हैं, तो उनके ऊपर जो बेस्ट टेस्ट है सारे सब्जेक्ट में जो इन्होंने अपने सिलेबस में दे रखा है, ठीक है, उसी पे विशेष आपको फोकस करना है कि जो इन्होंने अपने सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट, टेस्ट पे उनके लिए जो डाटा होता है, उनकी जो प्रक्रिया होती है, वर्किंग कैसे होते हैं टेस्ट की, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आता है, इस पे विशेष आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है? इसके बाद आता है इन्हीं सब्जेक्टों का पूरा पूरा फुल क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि कौन कौन सा इन सब्जेक्ट में से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक है? क्योंकि डिप्लोमा आप 3 साल करते हो तो काफी सब्जेक्ट पढ़ते हो और उसमें बहुत ज्यादा टॉपिक भी होता है हर सब्जेक्ट में, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उनको पूछना है आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में, तो उन्होंने दे दिया है, ठीक है? इसी पे बात कर रहे हैं आप लोग, यूजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्रयोग और कैसे आप कोई चीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, क्वेरिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, क्वेरिंग मतलब तराई होती है मटेरियल की, जो है क्वेरिंग कैसे करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद एस्टिमेटिंग एनालिसिस, एस्टिमेट का जो एनालिसिस आप लोग करते हैं, ठीक है, कि एस्टिमेट एक्चुअली ये जो पहले इन्होंने दिया है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के ही सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, एस्टिमेटिंग एनालिसिस ऑफ रेट्स, मेथड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ये जो यूनिट की भाई कितने एरिया में कितना ब्रिक लगेगा, या जो लकड़ी का जो दरवाजा लगता है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, या लोहे का दरवाजा लगता है तो उसका मेजरमेंट किस में होता है, किस यूनिट में होता है, यही सब सारी बातें आपको जो है जानना है। आपके एस्टिमेटिंग के बुक में जो है अच्छी बुकें मार्केट में बहुत सारी हैं, तो उसमें से आप देखेंगे शुरुआती के ही कुछ पन्नों में ही ये सब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है? तो इस तरह से आगे आते हैं,
मेथड एंड यूनिट्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए, आप जान रहे हैं। केवल आप यूनिट उसके किस यूनिट में लेते हैं कौन सा डाटा, इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अर्थवर्क, ब्रिक वर्क, ठीक है, मॉडुलर और ट्रेडिशनल ब्रिक। ठीक है, मॉडुलर ट्रेडिशनल ब्रिक का जो उसमें डाटा दिया हुआ है, कितने बाई कितने का कौन सा ब्रिक होता है, ये सब आप वहां से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आरसीसी वर्क, आरसीसी रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट वर्क, आप लोगों को पढ़ना पूरा डिटेल। पेंटिंग, शटरिंग, वैल्यूएशन एंड कास्ट। ठीक है, शटरिंग की वैल्यूएशन एंड कास्ट, उसकी क्या वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका क्या कास्ट बनेगा, ये सब इसमें पढ़ेंगे, ये भी एस्टिमेटिंग का ही। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आपको लास्ट के चैप्टर में मिल जाएगा, कई सारे डेफिनेशन दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू सॉल्वेज वैल्यू पे अक्सर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्रैप वैल्यू और सॉल्वेज वैल्यू जो है, अक्सर सवाल पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी जेई का हो, जो किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग का जेई या एई, अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है। जेई के पेपर में तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, इसके बाद जो जो तरीका है वैल्यूएशन का, आपका जो रूल है, जो मेथड है, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान देना है कि किस मेथड से कौन सा आपको जो है वैल्यूएशन करना है। ठीक है, ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल आइसोलेटेड एंड कंबाइंड फूटिंग, कंबाइंड फूटिंग, ये टॉपिक आपका कुछ जो है सॉइल मैकेनिक्स से मिलता जुलता है। ठीक है, इसके बाद पाइल एंड पाइल कैप्स, ये भी आपका वहीं से है। ठीक है, सैमसन रूल और सेंट्रल लाइन मेथड, ये दोनों जो है, सैमसन रूल तो आपको सर्वे में भी मिल जाएगा और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में भी मिल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल लाइन मेथड ये आपको जो है केवल केवल एस्टिमेटिंग में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मिड मिड सेक्शन फार्मूला, ये भी जो आपको सर्वे और उसमें मिल जाएगा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, अब यहाँ से आपको सर्वेइंग पढ़ना है। ठीक है, सर्वे प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या होते हैं सर्वे के, ये भी आपके सर्वे के पहली बुक में, फर्स्ट जो दो पार्ट में आपकी किताबें हैं उसमें पहले ही बुक में मिल जाएगा। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है। ठीक है, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास पे विशेष ध्यान देना है, कंपास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक। ठीक है, तो आप जो है आप वर्किंग आप प्रिज्मेटिक कंपास पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी से ज्यादा सवाल पूछ सकता है। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे बहुत अच्छा है। ठीक है, काफी अच्छा सर्वेइंग का ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे आप, या सिद्धांत है, इससे आप लोग जो है इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग, ठीक है, लेबलिंग मेथड ऑफ काउंटरिंग, काउंटरिंग से भी अक्सर सवाल आ जाता है, तो ये छोटा सा चैप्टर आप लोग इसको पढ़ते रहिए। अच्छा, इसके बाद जो है टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट, ये टॉपिक थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा कहाँ पे किस जगह पे परमानेंटरी के परमानेंट की जरूरत पड़ती है, कहाँ पे टेम्परेरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं जो है डंपी लेवल। ठीक है, अच्छा ये टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट आपको डंपी लेवल का ही पढ़ना, ध्यान देना आप लोगों को कि डंपी लेवल का पढ़ना है। ठीक है, अर्थवर्क कैलकुलेशन, अर्थवर्क कैलकुलेशन ये आपको सर्वे के सेकंड बुक में लास्ट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सर्वेइंग इक्विपमेंट, जो भी आप इक्विपमेंट यूज करते हैं सर्वे के, ठीक है, यह भी सर्वे के दूसरी किताब में लास्ट में ही मिलेगा कि सर्वे के कुछ खास इक्विपमेंट दिए गए हैं, उसको आप एक एक करके पढ़िए कि सर्वे के जो भी इंस्ट्रूमेंट दिए हैं उसकी क्या कार्य प्रणाली है, कैसे वो वर्क करते हैं, अच्छा इसकी कहाँ पे जरूरत पड़ती है, ये जरूरी है जानना। ठीक है, इसके बाद जो है अब आपका आता है ओरिजिन ऑफ सॉइल। ठीक है, यहाँ से आपका सॉइल इंजीनियरिंग शुरू हो जाता है, सॉइल मैकेनिक। ठीक है, एएसएमएफई के नाम से ज्यादातर आप लोग जानते हैं, डिप्लोमा के बच्चे, सॉइल ओरिजिन ऑफ सॉइल। फिर इसके बाद आता है फेज डायग्राम, सॉइल के ही फेज डायग्राम होते हैं, उसी का है सॉइल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन, डेफिनेशन आप विशेष ध्यान दीजिएगा, वाइड रेशियो की, वाटर कंटेंट की। ठीक है, इसके अलावा और भी कई डेफिनेशन है, इस पे आप लोग जो है इन दोनों को जरूर देखिए, इसके बाद भी और जो भी डेफिनेशन है उनको भी देखिए, क्योंकि ये चैप्टर जो दूसरा तीसरा चैप्टर में आपका आएगा ये डेफिनेशन, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के कई बार। ठीक है, कि वाइड रेशियो निकालिए, वाटर कंटेंट निकालिए। ठीक है, इसके बाद आईएसआई सॉयल क्लासिफिकेशन, इसको आप जरूर जानिए कि बोल्डर की साइज कितनी है, सिल्ट की साइज कितनी है, क्ले की साइज कितनी है, ऐसे। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक है, जो प्रभावी सामर्थ्य होती है सॉयल की उसको जानिए, कंसल्ट
कंसोलिडेशन ऑफ सॉयल, कंसोलिडेशन एंड कंपैक्शन दोनों जानी है, ठीक है, इसमें दोनों को जरूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद एक्टिव पैसिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव पैसिव अर्थ प्रेशर ये आपको जो है काफी अच्छा इसमें फार्मूला है, एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर का, दोनों फार्मूलों को आप समझिए अच्छे से, इस पे सवाल लगाइए, या तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेगा या तो कई बार इस पे सवाल छोटे से आ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जो है अच्छे से थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद शुरुआत हो जाती है सॉइल मैकेनिक्स की, एंड हो जाता है, इतना ही टॉपिक है, ठीक है। फ्लूड प्रॉपर्टी, ठीक है, इस यहाँ पे जो है फ्लूड मैकेनिक्स शुरू हो जाता है, द्रव एवं द्रवचलित मशीन, आप लोग जो डिप्लोमा में आप लोगों की किताब का नाम है, ठीक है। प्रॉपर्टी, फ्लूड प्रॉपर्टी, आप विशेष ध्यान दीजिए, फ्लूड प्रॉपर्टी से किसी भी एग्जाम में एक से दो सवाल आना है, कम से कम आप समझ लीजिए 14 प्रॉपर्टी है फ्लूड की, ठीक है, उसमें से एक से दो सवाल आता ही रहता है, ठीक है, चाहे उसका यूनिट पूछ लेगा, चाहे उसका फार्मूला पूछ लेगा। इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ फ्लो, फ्लो का मेजरमेंट आपको कैसे निकालना है, कौन से फार्मूले लगने हैं, इस पे सवाल भी आ सकता है छोटा मोटा, ठीक है। फ्लो इन ओपन चैनल और पाइप, ठीक है, फ्लो इन दोनों का इसमें देखना कि फ्लो इन ओपन चैनल और फ्लो इन पाइप दोनों पढ़िए अच्छे से, इसके फार्मूले को, इसके सिद्धांत को, इसमें क्या क्या दिया हुआ है पूरा जो थ्योरी में, ठीक है। पंप एंड टर्बाइन, पंप एंड टर्बाइन, टर्बाइन से कई बार सवाल आ गया, छोटा छोटा फार्मूला दे देता है, कहता है इसमें कौन सा फार्मूला किसका है, किस टर्बाइन का लगता है, या किस पंप में लगता है, या कुछ थ्योरेटिकल चीजें दे देती है कि इसमें कितने ब्लेड होते हैं, पंप में कैसी वर्किंग होती है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद शुरू हो जाता है आपका हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग जो है इसमें आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ना है, स्वीपर्स, ठीक है, हाईवे ड्रेनेज, ठीक है, हाईवे को साफ सफाई करने का, जो ड्रेनेज साइड में बनाते हैं हम लोग नाली की, पानी ना रुके हाईवे पे, ये सब सारी चीजें इसमें पढ़नी है। तो इसके बाद रेलवे इंजीनियरिंग भी पढ़ना है, ट्रैक ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। रेलवे में आप बेसिक बातें कॉमन से थोड़ा थोड़ा पढ़ के एक बार जानते रहिए, क्योंकि कभी कभी जो है ज्यादातर सवाल रेलवे से तो नहीं आते, जेई में कभी कभी पूछ लेता है, तो उसके लिए आप तैयारी रखिए, ठीक है। फिर क्वालिटी ऑफ वाटर, फिर यहाँ शुरू हो जाता है पीएचई का आपका, ठीक है, डिप्लोमा के बच्चे ज्यादातर जो है पीएचई के नाम से इसको जानते हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। इसके बाद नीड ऑफ सैनिटेशन, ठीक है, सीवेज सिस्टम, सीवेज का सिस्टम पूरा पढ़िए, ठीक है, सरफेस वाटर ड्रेनेज, एयर पोल्यूशन, ठीक है। इसमें जो है ये आपको थोड़े में भले ही दिखा दे रहा है कि नीड ऑफ सैनिटेशन क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है, या एयर पॉल्यूशन या सीवेज सिस्टम, चार पांच वर्ड में आपका सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन एक पूरा काफी ब्रॉड है, और इसको जो आप एक एक करिए, कई चैप्टर में ये सब सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है, तो आप एक एक करके उनको आप पढ़ते रहिए। फिर आता है नंबर आपका जो है एयर पोल्यूशन का, मान लीजिए इसी आपके पीएचई का ही है, एयर पोल्यूशन भी थोड़ा सा देख के जाइए, ज्यादातर बच्चे जो एयर पोल्यूशन वगैरह नहीं देखते हैं, उसको भी देखिए कब कौन सी जगह पे कौन सा सवाल आ जाए, तो इसलिए जरूरत है आपको जो भी आपका सिलेबस दिया हो उसको अच्छे से आप जरूर देखिए। इसके अलावा आप कुछ भी पढ़िए और ज्यादा पढ़िए और अच्छी बात है, पर सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया है एक एक वर्ड पढ़ के उसको सिलेबस से मिला के ही आप पढ़ाई करिए, क्योंकि सिलेबस जरूरी है, ठीक है, इसको कवर करना, ठीक है। इसके बाद एयर पोल्यूशन का कॉजेज, इफेक्ट्स कंट्रोल, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है टाइप ऑफ बीम, यहाँ से आपका जो है कुछ पोर्शन जो है मैकेनिक्स का दिया हुआ है, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, या इसको सोम भी कह सकते हैं, टाइप ऑफ बीम, डिटरमिनेट एवं इनडिटरमिनेट, ठीक है, डैम्स एंड रिटेनिंग वाल, ठीक है, डैम के बारे में, रिटेनिंग वाल के बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पढ़िए, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन, स्लोप डिफ्लेक्शन केवल दो चीजों का आपसे पूछा जाएगा, वो सिंपली सपोर्टेड बीम का और जो है कैंटिलीवर बीम का, ठीक है, ज्यादा अनावश्यक आप मत पढ़िए, क्योंकि सिलेबस में आपके जो दिया है वही पूछेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, यहाँ से है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ कंक्रीट, आपको कंक्रीट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका क्या क्या गुण होना चाहिए, उसको कैसे आप यूज करेंगे, ये दो वर्ड में है आपका लिखा हुआ, लेकिन इसमें दो तीन चैप्टर आपका कवर होता है सीटी से, सीटी आपका जो बुक है हिंदी वाली उससे, ठीक है। इसके बाद जो है हम आते हैं, इसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का, जो भी आप कंक्रीट में पानी यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसमें कौन सा चीज कितना मिला होना चाहिए, ठीक है, तो ये जो है आप क्वालिटी
इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी में आ जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो, ये काफी अच्छा टॉपिक है, इसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। वाटर सीमेंट रेशियो को तो डिप्लोमा जो भी किया है सिविल इंजीनियरिंग से, जो भी स्टूडेंट, उसको तो पूरा अच्छे से जानकारी होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो स्टोरेज, इसके बाद स्टोरेज, इसको कहाँ स्टोर करें, क्योंकि जो हम सीमेंट लाते हैं जैसे इस टाइप का है कि 3 महीने में इतनी इसकी स्ट्रेंथ लो हो जाएगी, 6 महीने में इतनी, 12 महीने में इतनी, 1 महीने में इतनी, तो इस टाइप का स्टोरेज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे और कितने दिन तक स्टोर की गई सीमेंट का आप यूज करेंगे, ठीक है, इस पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। बैचिंग, मिक्सिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। बैचिंग कैसे करेंगे, मिक्सिंग कैसे करेंगे, ये सब सारी चीजें आपकी सीटी की पतली सी बुक है, उसमें जो हिंदी की दिया वो काफी अच्छा समझाया हुआ है, तो उससे आप कवर कर लेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है फिर आता है आरसीसी बीम, फ्लेक्सुरल। अच्छा, आरसीसी में आपको आरसीटी, जिसको आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसमें आप लोगों को आरसीसी बीम का फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, टी बीम, ये इतना पढ़ना, ठीक है। वन वे टू वे स्लैब को आप अच्छे से पढ़िए, इसकी कंडीशन क्या है ये पढ़िए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं मैं कि जो आरसीसी या सीटी का है डाटा या जो भी थ्योरी है, आप कोड 456 जरूर यूज करें, ठीक है। उसमें एक एक्यूरेसी है, डाटा उसी का माना जाएगा, आपकी अगर कहीं भी एग्जाम में कोई सवाल गलत आता है, ठीक है, तो आप लोग क्लेम भी कर सकते हो, तो उससे ही कर सकते हैं, क्योंकि कोड एक तरह का जो सिविल इंजीनियरिंग का है, वो कंस्ट्रक्शन का एक तरह का संविधान है, ठीक है, उससे जरूर पढ़िए आप ये सब सारी चीजें, कि आरसीसी का, सीटी का जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है या जो भी फार्मूले वगैरह है, वो कोड का जो आप यूज करिए उससे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और एक बार थोड़ा पढ़ने में, क्योंकि इंग्लिश में है तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जब बार बार उसको पढ़ेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं भी शुरुआत जो कर रहा हूँ ये आप लोगों के साथ, तो मैं कोड भी पढ़ाऊंगा और सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करूंगा, और कोड को विशेष तौर से मैं पढ़ाऊंगा, कई 2-3-4 लेक्चर जो भी लगे, लेकिन कोड को विशेष तौर से आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं जो है वन बे टू बे स्लैब आपको हो ही गया। आइसोलेटेड फुटिंग, देखिए आइसोलेटेड फुटिंग आप आरसीसी में भी दिया है और आपके यहाँ पे सॉइल इंजीनियरिंग में भी दिया था, तो दोनों को अलग अलग तरीके से समझे कि दोनों पे कहाँ पे कैसा फार्मूला है, कैसी इसकी डिजाइनिंग है। यहाँ पे डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको पूछ सकता है, वहां पे सॉइल से रिलेटेड पूछ सकता है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान दें, ठीक है। तो रेनफोर्स ब्रिक वर्क भी थोड़ा सा देखते रहिए, जो है आप कॉलम्स, स्टेयर केसेस और रिटेनिंग वाले, ठीक है, कॉलम का जो भी है फार्मूला, ठीक है, उसको छोटा मोटा जो भी वैल्यू रख के आप कुछ सवाल लगा लीजिए, ठीक है, जिस जो भी फार्मूला आपका दिया हुआ है। वाटर टैंक का अपने अभी पिछली बार जो जेई का हुआ था, एक दो सवाल कहीं कहीं आ जा रहा है अब जो है वाटर टैंक का। वाटर टैंक एक्चुअली क्या है, आप लोगों के डिप्लोमा के सिलेबस में थोड़ा कम दिया हुआ है, ठीक है, तो आप जो भी दिया है उसको पढ़ के जाए, क्योंकि आपके काम में आ सकता है। अच्छा, इसके बाद इम्पोर्टेंट बात यह है आप लोगों के साथ कि आरसीसी जो भी है, इसमें दो मेथड है, दोनों मेथड WSM और LSM, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। दोनों मेथड को हिंदी की किताब में आपको अच्छे से दिया, जितना दिया है वो आप जरूर कवर करें, ठीक है, उतना ही आपके लिए सफिशियंट रहेगा। तो अलग अलग मेथड के अनुसार अलग अलग चीजों को आप क्लियर, मतलब क्लियर करके ही देखें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब बात यह है स्टील से, स्टील से आप कॉलम बीम गर्डर, ठीक है, कॉलम बीम गर्डर, इसके अलावा आपके जो ज्वाइंट है जिसे रिवेट ज्वाइंट हो गया, बोल्ट ज्वाइंट हो गया, इनमें कौन सा फार्मूला लगता है, ये सब भी देखते रहिए। स्टील तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं इसलिए, क्योंकि कम डाटा है, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफी अच्छा समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ मैं एक अच्छी आप लोगों के साथ एक शुरुआत करने जा रहा हूँ कि आपको सिलेबस हो गया, एक है कि सिलेबस से सिलेक्शन तक का एक टाइटल है हमारा, कि जो है आप लोग सिलेबस बताएंगे, फिर एक एक सिलेबस से एक एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज उठाऊंगा, उस सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक दिया हुआ सिलेबस में उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक मिलेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि सॉइल इंजीनियरिंग से मैं शुरू करूँ, कि यूपी के स्टेट में मैंने देखा है कि जो भी सवाल आते हैं वो आपका PHE से और SMFE से ज्यादा सवाल आ जाता है, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स से शुरुआत करूंगा और इसके बाद जो है फिर हो सकता कोड भी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। और भी जो भी रहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और इसके बाद बताते रहिए, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, कोई चीज नहीं समझ में आती उसको मैं बताने की को कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो बस आज बस इतना ही, धन्यवाद।